हरी बोल हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरी बोल हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare
महाप्रभु उसी समय लीला करके चले गए थे, ऐसी बात नहीं। अभी भी महाप्रभु पूर्ण रूप में अभी भी यहाँ लीला कर रहे, चले गए नहीं, अभी कर रहे। लेकिन उसको कौन कौन दर्शन कर सकते हैं? कहते जिसको ऊपर में भगवान की कृपा हो, जिसकी अनर्थ दूर हो गया हो, है जिसके हृदय में प्रेम प्रकट हो, केवल वही व्यक्ति यहाँ के चिन्मय प्रभु वही केवल उपलब्धि कर सकते हैं। इसलिए आज हम लोग सबके सब मिल करके आज महाप्रभु का जन्म स्थान में हम लोग परिक्रमा करने के लिए हम लोग गए थे। और हम लोग कुछ दिन से, दो तीन दिन से हम लोग नवद्वीप धाम की महिमा को हम श्रवण कर रहे हैं। अभी हमारे बीच में सब बड़े बड़े महापुरुष लोग बैठे हुए, ये लोग भी कुछ कुछ महापुरुष का धाम की महिमा वर्णना करेंगे। हमारे बीच में हमारे श्री सुंदर गोपाल प्रभु जी, आप जानते हो बच्चे को, आज ये आपको कथा सुनाएंगे। कभी ये देखने में लगता है छोटा बच्चा है, लेकिन छोटा नहीं, बड़ा पता है। इसलिए इधर है हमारे बहुत गुरु जी की शिष्य है, ज़्यादा दिन नहीं हुए आए, गुरु जी के लास्ट के समय में उन्होंने गुरु जी की चरण में आश्रय किया। लेकिन इन्होंने जो गुरु जी की सेवा कर रहे हैं ना, मैं सोचता हूँ शायद ये समिति में बहुत कम व्यक्ति होंगे जो इसकी जैसे कोई सेवा करता है। हाँ देखो, हाँ हम पैसे किसका ज़्यादा इसको प्रशंसा नहीं करते, मैं जो देखा वही बात बोलता हूँ। महाप्रभु का भविष्यवाणी है, पृथ्वी पे आश्चर्यतर नगरा विग्राम सर्वत्र प्रचार है वर्णा, ये महाप्रभु का भविष्यवाणी है। एक दिन ऐसा आएगा संपूर्ण पृथ्वी की गली गलियों में, कदरा कदरा में, शहर शहर में, सबके सब भगवान की चैतन्य महाप्रभु का नाम कीर्तन और घर घर में हरि कीर्तन होगा। सबके सब सुखी होकर के भगवत नाम कीर्तन करेंगे भविष्यवाणी। लेकिन ये जो बच्चा है, ये कलेज में जाकर के जो यह बच्चे जो गलत रास्ता पर सबके सब चल रहे हैं, अभी आपको पता है इंटरनेट मोबाइल टीवी आकर के बच्चों की कितने सत्यानाश कर रहा है, ये जाकर कलेज में जाकर के ये सेमिनार देते हैं कलेज में जाकर के। हमारे ये जो प्रभु जी ये बैठे हैं, ये इनका टीवी में कथा है प्रभु जी के, और ये संस्कृत रस, ये संस्कृत ये कलेज में टीचर थे, लेकिन गुरु जी की गुरु जी के पास में आकर सब कुछ छोड़ करके उन्होंने गुरु जी की, इन्होंने भी बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। ये दोनों मिल करके पूरी में सेमिनार देते हैं, इसलिए बच्चों को 15 दिन तक फ्री रहना, फ्री में खाना और उनको भक्ति की शिक्षा देना, ये दोनों मिलकर करते हैं। इसलिए ये दोनों महापुरुष भी महापुरुष का विषय में बड़े सुंदर सुंदर कथा सुनाएंगे। हमारे सुंदर गोपाल प्रभु जी ये भी पिता माता की एक बेटा है, लेकिन इनके पिता माता के अच्छे आए हैं, उनके परिवार के लोग, इनकी उन्होंने एम ए भी उन्होंने किया है, लेकिन उन्होंने सब कुछ छोड़ करके इतना आसान नहीं, इसका एक बेटा हो, भैया बैठ के काम करता, पिताजी का अच्छा बिजनेस है, लेकिन ये सारे सुख सुविधा को छोड़ करके गुरु वैष्णव की सेवा में तन मन धन हर तरह से दिन रात को ये बराबर करके ये प्रचार करते हैं। अभी अभी जयपुर थोड़ी दिन गए हुए, वहाँ से करके 35 भक्तों को लेकर के अब आए हैं नवद्वीप परिक्रमा में, 35 भक्तों, और उन्होंने बड़े बड़े मंत्रियों को साथ में, अरे बड़े बड़े मंत्रियों को साथ में मुलाकात की है। अभी हो सकता है हमें एक नवद्वीप में बना बनाया हुआ वहाँ पर देव विभाग का मंदिर बहुत सारे हैं, इसलिए हो सकता है हमें जयपुर में बहुत बड़ी जगह मिलेगी जहाँ पर गुरु जी ये अभी कथा, गुरु जी जब वहाँ कथा करने के लिए गए, गुरु जी दो चार मंदिर को देखा यहाँ पर, क्योंकि उसको दूसरे वृंदावन मानी जाती है, हमारे जितने सब ठाकुर वृंदावन छोड़ करके सब जयपुर चले गए, क्यों वहाँ विराग राज्य है, जयपुर के लोग बड़े कृष्ण भक्त है, इसलिए गुरु जी की बहुत इच्छा थी यहाँ पर हमारे कोई मंदिर आश्रम हो, और इन्होंने वो चीज को सक्सेसफुल करने जा रहे हैं। अभी आपको प्रभु जी कुछ कथा सुनाएंगे, आपकी श्री इनके श्री मुख से आप लोग कथा सुने श्री सुंदर गोपाल प्रभु जी। बलिता गौर प्रेमानंदे श्री कृष्ण